तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग होगी, कल शाम को प्रचार थम जाएगा और प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी तेलंगाना में घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं। इसी बीच में वो पहुंचे तिरुपति बालाजी मंदिर में और वहां से एक वीडियो सामने आती और ये वीडियो खुद नरेंद्र मोदी जी की पोल खोल देती है। ये वीडियो जरा आप देखिए, आपके बगल में कुछ आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। नरेंद्र मोदी जी की तो तस्वीर है ही है, लेकिन तस्वीर लेने वाले कितने लोग हैं, तस्वीर लेने वाले कितने कैमरा नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ चल रहे हैं। और जरा याद करिए, ये तस्वीरें देखते रहिए और याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं हमारी छवि टीवी अखबार से नहीं बनी है, टीवी अखबार ने हमारी छवि को चमकाने का काम नहीं किया है। ये तस्वीरें किसके लिए ली जा रही है? ये तस्वीरें इसीलिए ली जा रही हैं ताकि तेलंगाना के अंदर विधानसभा चुनाव तक घूम घूम करके लोगों को इन तस्वीरों का लूप बना बना करके दिखाया जाए, बताया जाए कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी अद्भुत तस्वीर है। और बीजेपी के नेताओं को आप देखिए, संबित पात्रा ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है भक्ति और शक्ति, यानी दो दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी तेजस उड़ाने का काम कर रहे थे, जब राजस्थान में वोटिंग हो रही थी उसी दिन तेजस उड़ाने का काम कर रहे थे, तो उसको लेकर के संबित पात्रा ने लिखा है शक्ति और आज की फोटो को लेकर के लिखा है भक्ति। अभी भक्ति और शक्ति कितनी है और ये भक्ति और शक्ति क्या कैमरे के सामने ही है, सवाल ये। और जरा याद करिए ये फोटो, राहुल गांधी जी की फोटो देखिए आप, जब राहुल गांधी हरियाणा में जहां पर चुनाव भी नहीं थे, देश भर में भी चुनाव नहीं चल रहे थे, उस वक्त में किसानों के पास जाकर के धान रोपाई का काम करते हैं और उनके इर्द गिर्द 3-4 कैमरे वाले दिखाई देते हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता और उसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि आजकल कुछ लोग कैमरा लेकर के खेतों में घूम रहे हैं और किसानी देख रहे हैं, किसानी सीख रहे हैं। अब कैमरा लेकर के खेतों में घूमना, कैमरा लेकर के किसानों से खेतों में बातचीत करना वो सही है, या कैमरा लेकर के मंदिर में घूमना और कैमरा लेकर के मंदिर में भी उस वक्त में जब उस प्रदेश में चुनाव हो? 2 दिन प्रचार के बचे हैं, आज का दिन प्रचार का है और कल का दिन प्रचार का है। और मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, अंदाजा लगाइए मैं कहाँ हूँ। कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। बात करूंगा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण है, उन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जरा पहले नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीरें आई हैं उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद में केसीआर की राजनीति तेलंगाना के अंदर, ओवैसी की राजनीति तेलंगाना में और राहुल गांधी का प्रचार प्रसार तेलंगाना में और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी बीजेपी की एंट्री कितनी अहमियत रखती है। और वोटों के लिहाज से बात करें तो तेलंगाना में इस बार बीजेपी का कहीं पर कुछ वजूद दिखेगा या केवल ये वोटों का ध्रुवीकरण और वोटों का बंटवारा और वोटों का, अगर ये कहें कि वोट कटुआ जो छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी कहती है, तो आज बीजेपी को तेलंगाना में कितना वोट मिल रहा है उस पर भी आगे बात करेंगे। राजनीति पर, तेलंगाना की राजनीति पर पूरा विस्तार से बात करेंगे और जो अभी के हाल के ओपिनियन पोल है उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं तेलंगाना की, लेकिन इसके साथ साथ आप 2 दिन पहले जब राजस्थान में वोटिंग हो रही थी उस वक्त में तेजस जब नरेंद्र मोदी उड़ा रहे थे तो वो बादलों से हाथ हिलाते हुए कुछ नजर आए। 2 बातें मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर आप देखते रहिए जब नरेंद्र मोदी बादलों से हाथ हिला रहे हैं। कहा गया भाजपा कांग्रेस के आईटी सेल के जरिए और कुछ नेताओं के जरिए कि नरेंद्र मोदी बादलों में हवा में हाथ हिला रहे हैं, ये अर्ध सत्य है। पूरा सत्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में वहां पर जो और दूसरे प्लेन उड़ रहे थे तो उनके पायलट को नरेंद्र मोदी जी हाथ हिला रहे थे। और यह भी अर्ध सत्य है कि नरेंद्र मोदी ने तेजस को उड़ाया जो बीजेपी ने चलाया। अगर कांग्रेस की आईटी सेल का सच हम बता सकते हैं तो हमें बीजेपी की आईटी सेल क्या बताती है और बीजेपी की आईटी सेल के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बताती है वो भी बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने तेजस को उड़ाने का काम नहीं किया था। तेजस में 2 सीट होती हैं,
एक होती है मेन पायलट की सीट जो आगे रहती है, और दूसरी सीट होती है जिस पर नरेंद्र मोदी जी पीछे बैठे हुए थे। आगे और पीछे इस तरह से जो है दो सीटें होती है, ये पायलट और ये नरेंद्र मोदी जी उनके साथ में बैठे हुए थे पीछे, और पीछे बैठ करके वो हवा में हाथ हिलाने का काम कर रहे थे। ये तस्वीरें उस वक्त में आई थी जब राजस्थान में वोटिंग हो रही थी, और वोटिंग के जरिए जो है वो नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों का दिल जीतने का, जैसे एक नरेंद्र मोदी को लेकर के बातें कही जाती है 56 इंच और तमाम तरह की बातें। दरअसल नरेंद्र मोदी जी का कैमरे को लेकर के जबरदस्त क्रेज रहा है। वो कैमरा कहां पर है, किस तरह से है, ऐसी एक दो नहीं, दर्जन भर नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी फोटो निकाली जा सकती हैं जिसमें यह दिखे कि नरेंद्र मोदी जी कैमरे के प्रति बिल्कुल आकर्षित दिखते हैं, और कहां पर कैमरा है, कैमरे के लिए क्या उपयुक्त शॉट रहेगा, कैमरे के लिए क्या जो है वो पोज अच्छा रहेगा, इसका ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल एक मंझे हुए व्यक्ति की तरीके से कैमरे का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को जनता के बीच में पेश करने के लिए। अब जरा एक और फोटो दे, एक और वीडियो देखिए, और ये दिखाता कि बीजेपी के नेताओं में किस तरह से कैमरे को लेकर के दिखाने छिपाने दिखाने को लेकर के अपने आप को छपवाने को लेकर के कैसी भक्ति दिखती है। ये तस्वीर पता है किसकी है, और ये तस्वीर शर्मसार कर देती है। ये तस्वीर है राजस्थान में वोटिंग से दो दिन पहले जम्मू कश्मीर के रजौरी में हमारे 4 जवानों की शहादत हुई जिसमें 2 कैप्टन थे, और कैप्टन शुभम की ये माताजी की तस्वीरें हैं, और कैप्टन शुभम की माताजी को वहां पर बीजेपी के नेता चेक दे रहे हैं, और शुभम की माताजी कह रही है कि भैया ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे बेटे को बुला लो, उसको दे दो, मेरे को खड़ा मत करो। एक रोती बिलखती मां, एक शहीद की मां, उसके दुख की, उसके वेदना की हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जरूर है कि जब किसी का बेटा शहीद होता है तो उसकी मां को जो है देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी जिस किसी मां का बेटा शहीद होता है तो बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ उसको देखा जाता है, और वो माएं भी अपने आप को संभालती भी हैं और लोगों को ये बताती भी हैं कि हाँ हमारा बेटा शहीद जरूर हुआ है लेकिन उस बात का हमें गम नहीं, उस बात की हमें खुशी है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि माएं परिवार वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं, और यही वाक्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, और उत्तर प्रदेश में कैप्टन की मां को चेक पकड़ाने के लिए वहां पर खड़ा रखा गया। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी सहित पूरी भाजपा, उनका पूरा फोकस रहता है कि मीडिया को अटेंशन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा अगर कोई बीजेपी का प्रचारक है तो मौजूदा समय में टीवी है। टीवी से बड़ा प्रचारक बीजेपी के पास में और कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो भव्य लार्ज तस्वीर आपके दिलो दिमाग में, लोगों के दिलो दिमाग में जो छापी गई है वो भी टीवी के जरिए छापी गई है। इसीलिए कैमरे का, टीवी का हर तरह से जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब नरेंद्र मोदी जी और विधानसभा चुनाव तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजनीति में इस बार क्या होगा? केसीआर का दबदबा रहा, केसीआर मुख्यमंत्री हैं, केसीआर की फ्री की स्कीमें, कहा जाता है कि अभी जो मौजूदा समय में जितनी योजनाओं को लेकर के बातचीत होती है और जितनी फ्री की स्कीमों को लेकर के बातचीत होती है उसमें से कई सारी स्कीमें केसीआर ने पहले शुरू की थी, और फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने फायदे के लिए उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे आप अगर साउथ की राजनीति को देखेंगे, दक्षिण भारत की राजनीति को देखेंगे तो ये बहुत पहले से ट्रेंड रहा है। जयललिता के उपचुनाव का मैंने एक बार पहले ही आपसे जिक्र किया था, टीटी दिनाकरन का जिक्र किया था, और जयललिता की मौत के बाद में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव कैंसिल करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना भारी भरकम पैसा बांटा जा रहा था, क्योंकि वो सीट टीटी दिनाकरन जयललिता के भतीजे और शशिकला के बीच में तमिलनाडु की राजनीति को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, और पनीर सेल्वम उस वक्त में तमिलनाडु के फिर मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी पर किसका कब्जा हो, किसका वर्चस्व हो,
इसके लेकर के पूरी एक सीट पर जिस तरह से फ्री की चीजें बांटी गई, और मैंने आपको विस्तार से बताया भी है पहले भी कई बार कि अखबारों में पेटीएम नंबर लिख लिख करके डाला गया कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पेटीएम से पैसा आ जाएगा, इस तरह से पैसे बांटे गए थे। तो फिर उसके बाद में चुनाव आयोग को चुनाव जो है वो बाय पोल वो कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, फिर दोबारा से वहां पर चुनाव हुआ। अब केसीआर का मुकाबला यहां पर कांग्रेस के साथ में है, बीजेपी 3 में नहीं है, 13 में भी नहीं है। बीजेपी की एकमात्र सीट आई, सिर्फ एक सीट, और उस एक सीट को लेकर के यहां पर नरेंद्र मोदी जी तंबू लगा करके झंडा गाड़ करके यहां पर बैठे हुए हैं। एक सीट, मात्र एक सीट, कुल सीट है 119 जहां पर सीटें हैं, और 119 सीटों में से सिर्फ एक सीट आती है जहां पर, वहां पर उस राज्य में बीजेपी ने 118 उम्मीदवार उतारे हैं, और 118 उम्मीदवार उतार करके नरेंद्र मोदी गाजे बाजे के साथ में कह रहे हैं कि इस बार का सीएम हम बनाएंगे। और अमित शाह ने तो यह तक घोषणा कर रखी है तेलंगाना को लेकर के कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बनेगी तो ओबीसी का सीएम बनाएंगे हम, ये अमित शाह जी का कथन है, उनका बयान है ये। लेकिन सोचे जरा आप, जहां पर एक सीट है वहां पर आप सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, एक सीट से भला कोई सरकार बना पाया है? और अब भी अगर चुनाव में ओपिनियन पोल की अगर आप बात करेंगे तो ये मेरे बगल में आप ये ओपिनियन पोल देख लीजिए, ये ओपिनियन पोल भी ये बता रहे हैं, चाहे अक्टूबर के ओपिनियन पोल देखें चाहे नवंबर के ओपिनियन पोल देखें, केसीआर और कांग्रेस के बीच में ही मेन मुकाबला है। किसी ओपिनियन पोल में दिखता है कि यहां पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, किसी ओपिनियन पोल में दिखाया जाता कि केसीआर अपनी स्कीमों की वजह से वापसी कर सकते हैं, और बीजेपी को 5 सीट, 2 सीट और मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10, 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बताइए, ऐसे हालात में भी नरेंद्र मोदी यहां पर झंडा गाड़ करके बैठे हुए हैं तो फिर क्या कहेंगे? क्या फिर बीजेपी और जो दूसरी क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के वोट कटुआ होने का जो आरोप उन पर लगाती है, तो क्या बीजेपी भी यहां पर एक वोट कटुआ पार्टी की तरह से घूम घूम करके प्रचार कर रही है? सवाल ये है, क्योंकि एक सीट जहां पर है, अब आप देख लीजिए जरा 2018 के चुनाव के आंकड़े देखिए, 2018 के चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं, एक सीट आई है यहां पर कांग्रेस की, ये बीजेपी की, इससे पहले 5 सीटें थी, 4 सीटों का नुकसान हो गया, एक सीट केवल आती है, केसीआर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान होता है, लेकिन कांग्रेस इस बार उम्मीद लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से उसको कर्नाटक में फायदा हुआ और कर्नाटक से सीमा लगता हुआ ये तेलंगाना का राज्य है और तेलंगाना में भी हमें भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी का फायदा मिलेगा, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लगातार सोनिया गांधी को कांग्रेस यहां पर तेलंगाना के अंदर तेलंगाना की अम्मा कहकर के प्रचारित कर रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी का इस बार के चुनाव में कोई बहुत ज्यादा रोल रहा नहीं है, बताया ये जा रहा है कि कल जब आखिरी दिन है प्रचार का तो सोनिया गांधी कल तेलंगाना आएंगी और कल एक बहुत बड़ी विशाल रैली होने की उम्मीद बताई जा रही, जिसमें सोनिया गांधी होंगी, जिसमें प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और इसी तरह से जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी तब भी एक बड़ी रैली की गई थी, उस वक्त में कांग्रेस की यहां पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, और उस वक्त में एक बड़ी रैली हुई थी, विशाल रैली, जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि करीब 10 से 15 लाख लोग आए हैं। अब कल की रैली में कांग्रेस कितने लोगों को जुटा पाती है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अब कांग्रेस यहां पर सोनिया गांधी को अम्मा कह करके प्रचारित कर रही, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस की वजह से ही ये, और तेलंगाना में केसीआर ने भी यहां पर काफी दमखम लगाया और उसके बाद में ही तेलंगाना राज्य का उदय हुआ। अब कांग्रेस उस चीज को भुनाने का काम कर रही है। अब इन सारी चीजों में आप देखेंगे तो तेलंगाना में केसीआर की एक भूमिका है, केसीआर का एक रोल है, बड़ा रोल है, एक वजूद है उनका, एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, मुख्यमंत्री रहे, और वो अपनी स्कीमों के बलबूते पर दोबारा से अपने आप को वापिस देख रहे हैं। हालांकि
भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने डेवलपमेंट तो किया लेकिन इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि हर चीज में, हर स्कीम में, हर जगह पर जहां जहां पर जो जो काम हुआ है तो वहां पर करप्शन बहुत हुआ है, वो करप्शन को लेकर के घिरे हुए हैं। तो ये सारी चीजों के बीच में आप नरेंद्र मोदी का जिक्र कहां पर पाते हैं, बीजेपी का जिक्र कहां पर पाते हैं? बीजेपी एक सीट वाली पार्टी और वो लगातार यहां पर घूम रही है। तो क्या यही माना जाए कि जिस तरह से और दूसरे राज्यों में जहां पर दो पार्टियों के बीच में भिड़ंत होती है, आपस में डायरेक्ट 1-to-1 फाइट होती है, वहां पर तीसरी पार्टी जाकर के वोट काटने का काम करती है, क्या वही काम यहां पर नरेंद्र मोदी करने के लिए आए हैं? क्योंकि यहां पर कोई भी सर्वे आप उठा करके देखेंगे, चाहे तेलंगाना का जो स्थानीय मीडिया है उसका सर्वे आप उठा करके देखिए, चाहे नेशनल मीडिया नोएडा का मीडिया उसका सर्वे आप उठा करके देखिए, किसी सर्वे में बीजेपी 3 और 13 में है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता वो लगातार यहाँ पर लंगर डाल करके चुनाव प्रचार के लिए डटे हुए हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी पहुंचे तिरुपति के अंदर। सोचिए अब इन तस्वीरों को कितना घुमाया जाएगा। और एक बड़ा फैक्टर है, हालांकि हैदराबाद में ही फैक्टर है और हैदराबाद के बाहर ज्यादा बड़ी पहचान नहीं कही जा सकती, ओवैसी का तेलंगाना के चुनाव में उनका भी एक असर है, उनका भी एक रोल है। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर, और वहीं पर फिर कल ओवैसी ने इसको लेकर के काउंटर किया और तेलंगाना में यहां पर मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी वो राहुल गांधी को काउंटर कर रही है। तो ये सारी राजनीति के बीच में, ये सारे वार पलटवार के बीच में, सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच में बीजेपी ढूंढने से नहीं मिलती है, लेकिन बीजेपी यहां पर जोर शोर से प्रचार करती हुई जरूर आ रही नजर आ रही है। अब ये प्रचार बीजेपी के लिए फायदेमंद है या ये प्रचार किसी और को फायदा देगा, सवाल फिर ये भी है। तो बहरहाल आपको तेलंगाना की राजनीति को लेकर के, तेलंगाना में चुनाव को लेकर के कुछ बड़ी खबरों के साथ में आपसे फिर जुड़ूंगा। अभी शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।